ऊर्जा के स्रोत उदयमान भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ देने के लिए धनबाद कोयलांचल के नदी तालाबों पर बने छठ घाटों पर भारी की संख्या में छठवर्ती और श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए वहां की समिति द्वारा कराए गए व्यवस्था से स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व को जाता है। आज सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। धनबाद के पंपू तालाब, बेकार बांध, राजा तालाब, रानी तालाब समेत जिले के लगभग सभी प्रमुख छठ घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ मैया भगवान भास्कर की बहन है और इस पर्व को करने वाले भगवान भास्कर उनकी बहन दोनों को आराधना कर अपने परिवार में सुख शांति की कामना करते हैं। स्वच्छता और साफ सफाई के साथ मनाए जाने वाला इस पर्व में संतान हीन दंपति की गोद भर जाती है, ऐसी मान्यता है।
हम लोग पिछले 15 साल से ये छठ पूजा को सफल बनाने में एक सराहनीय योगदान दिया सभी भाई। साथ साथ में हमारे पूरे भूलीवासी के जितने भी नागरिक हैं वो भी इस कमेटी को सफल पूजा को सफल बनाने में बहुत ही सहयोग देते हैं। आशा करते हैं कि हमारे कमेटी को इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहें और इससे भी भव्य पूजा करने की तैयारी में हम लोग जुटे हैं। कमेटी का क्या क्या योगदान रहता है छठ घाट में? कमेटी का हमारा योगदान ये रहता है कि हम लोग कमेटी की तरफ से साफ सफाई का जोर शोर से करवाते हैं। सुबह मूर्ति पंडाल पूरे पूरे रास्ते पे लाइट का व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था करवाया जाता है पुलिस थाना से गुनौटी थाना से, और साथ में आपका सुबह हम लोग दूध का वितरण करते हैं जो छठ व्रत धारी लोग रहते हैं, प्लस इस बार हम लोग खीर भी प्रदान करेंगे। सर क्या क्या योगदान रहता है आप लोग का? पूजा कमेटी यहाँ ऐसे तो हमारे बड़ों के द्वारा पिछले 30-35 सालों से किया जा रहा है, हमारा 15 सालों से योगदान है कमेटी की ओर से। यहाँ पर घाट की साफ सफाई, लाइट, पूजा पंडाल और भी सुरक्षा की व्यवस्था और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें थोड़ा भोग, कुछ वर्धारियों के चाय, ये सारी चीजें हमें कमेटी की तरफ से की है। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन की क्या भूमिका रहती है? विधि व्यवस्था लेकर के हमारे भूली ओपी और गुंडी थाना दोनों हमारे ऊपर काफी ध्यान देते हैं और उनका योगदान भी हमारे साथ हमेशा हर साल।